हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन. वेलकम टू माय चैनल लॉ स्कॉलर्स एंड लीगल इश्यूज. आई एम एडवोकेट वनिता. आई एम प्रेजेंटिंग हियर अगेन विद अनदर इम्पोर्टेंट टॉपिक दैट इज रिलेटेड टू सीआरपीसी. वी हैव स्टार्टेड सीआरपीसी बेयर रेट्रिक रिविजन. यू कैन ऑल्सो से दैट द क्रैश कोर्स विद रिस्पेक्ट टू कम्पिटेटिव एग्जाम. लास्ट जो हमारी सीआरपीसी की क्लास थी उसमें हमने सेक्शन 5 तक डिस्कस कर लिया था, डेफिनेशंस को डिस्कस कर लिया था. एक तरीके से ये क्रैश कोर्स है तो हम इसे डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे. जितना इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है हमारा प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना ही हम डिस्कस करेंगे. चलिए आज का लेक्चर हम कंटिन्यू करते हैं. अगर हम आज के लेक्चर की बात करें तो आज का लेक्चर है चैप्टर 2 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स एंड ऑफिसेस. सेक्शन 6 से 25A तक जो है ये चैप्टर है तो इसको हम डिस्कस करते हैं. सबसे पहले अगर हम बात करें सेक्शन 6 की, सेक्शन 6 बात करता है क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स. क्रिमिनल कोर्ट्स कौन कौन सी होती है उनको एक बार देख लेते हैं. क्लासेज ऑफ क्रिमिनल कोर्ट बिसाइड द हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के साथ साथ एंड द कोर्ट्स कंस्टिट्यूटेड अंडर एनी लॉ, किसी भी दूसरे लॉ में कोई कोर्ट अगर है, देयर शैल बी इन एवरी स्टेट द फॉलोइंग क्लासेज ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स. फर्स्ट इज कोर्ट ऑफ सेशन, जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, और मेट्रोपोलिटन एरिया में मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ सेकेंड क्लास और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट. अगर हम इसके साथ साथ अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को देखते हैं तो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के बारे में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 233 से लेकर 237 चैप्टर 6 में दिया गया है तो उसको भी हम यहाँ मेंशन कर सकते हैं. सबऑर्डिनेट कोर्ट्स की अगर हम बात करें तो अगर हम उसमें देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में सबऑर्डिनेट कोर्ट्स कहाँ दिए गए हैं, आर्टिकल 233 से लेके 237 तक, ये बात करता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में. तो वहां पर भी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स जो है वो दिया गया है तो आपको जो है सबऑर्डिनेट कोर्ट्स को अच्छे से माइंड में सेट कर लेना है कि कहाँ पर इसका प्रोविजन है. अगर हम बात करें अगले सेक्शन की, अगला सेक्शन है टेरिटोरियल डिवीजन. जितना मैं आपको हाईलाइट करवा रही हूँ उतना आप नोट कर लेना, उसके अलावा आपको नोट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि प्री में इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछा जा सकता. टेरिटोरियल डिवीजन की बात कर रहा है. अगर हम साथ में देखें तो इसको हमारे सीआरपीसी के अंदर सेक्शन 179 789 जो है जो एक तरीके से टेरिटरी के बारे में डिस्कस करता है वो एक अलग मैटर है. एवरी स्टेट शैल बी, हर एक स्टेट में शैल बी सेशन डिवीजन और शैल कंसिस्ट ऑफ सेशन डिवीजन. And every session division shall, for the purpose of this court, be district or consist of districts. यानी कि session division हो सकता है और consist of session divisions हो सकता है. तो ये important है. Proviso कहता है कि metropolitan area में there shall be for the purpose of separate session division. Metropolitan area में separate session division होगा. ये बात आप mind में रखिए. नेक्स्ट है कि इनकी अपॉइंटमेंट के बारे में पूछ लिया जाता है कि इनको कौन अपॉइंट करता है, द स्टेट गवर्नमेंट. तो द मेन पॉइंट इज द स्टेट गवर्नमेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट. ये पूछ सकते हैं एग्जाम में कि कौन लिमिट को ऑल्टर कर सकता है, तो स्टेट गवर्नमेंट और हाई कोर्ट. अब जब हम पंजाब कोर्ट सेक्ट करेंगे तो उसमें भी थोड़ा सा इसके रिगार्डिंग डिस्कशन होगा. स्टेट गवर्नमेंट कंसल्टेशन के साथ साथ उसको डिवाइड भी कर सकता है, ऑल्टर भी कर सकता है और डिवाइड भी कर सकता है. तो ये पॉइंट भी यहाँ पर इम्पोर्टेंट है कि जो भी एक्शन लेगा कोर्ट्स के रिगार्डिंग स्टेट गवर्नमेंट लेगा बट हाई कोर्ट की सब कंसल्ट भी करेगा. तो डिवाइड करना, ऑल्टर करना, सेशन डिवीजन, डिस्ट्रिक्ट एंड सब डिवीजन एग्जिस्ट इन स्टेट एट द कमेंसमेंट ऑफ दिस कोर्ट शैल बी डीम्ड टू हैव बीन फॉर्मड अंडर दिस सेक्शन. जो भी सेशन डिवीजन है, डिस्ट्रिक्ट और सब डिवीजन है, वो सारे ये समझे जाएंगे कि वो जो है इसी कोर्ट के तहत उनको लाया गया है. अब बात करते हैं हम सेक्शन 8 की. सेक्शन 8 में क्या इंपॉर्टेंट है कि मेट्रोपॉलिटन एरिया कौन डिसाइड करेगा, स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगा. कैसे करेगा, बाय नोटिफिकेशन करेगा, डिक्लेयर करेगा कि फॉर्म स्टेट ऑफ स्पेसिफाइड इन कहां पर इसकी लिमिट दी हुई है. जहां पर पॉपुलेशन जो है एक्सीड 1 मिलियन होगा तो उसे मेट्रोपॉलिटन एरिया बोला जाएगा. ये एग्जाम में पूछ लिया जा सकता है. बाकी तो नॉर्मली इसमें ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं. अगर आपको लगे तो आप हल्की सी एक बार नजर जरूर मार लेना इसके ऊपर. स्टेट गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन करेगा. अगर हम इसकी एक्सप्लेनेशन इंपॉर्टेंट है उसको देख लेते हैं. एक्सप्लेनेशन कहता है कि इन दिस सेक्शन द एक्सप्रेशन पॉपुलेशन मींस द पॉपुलेशन इज अ सर्टेन लास्ट प्रीसीडिंग सेंसस. लास्ट टाइम पर जब भी गणना हुई थी
जनसंख्या की, उसी को माना जाएगा। तो एक्सप्लेनेशन में से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आपको एक्सप्लेनेशन भी गो थ्रू करनी पड़ेगी। अगली बात करते हैं कोर्ट ऑफ सेशन। कोर्ट ऑफ सेशन को वही स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, और एवरी कोर्ट ऑफ सेशन प्रेसाइडेड ओवर बाय जज अपॉइंटेड बाय द हाई कोर्ट। तो भी जज होगा वो अपॉइंटेड बाय हाई कोर्ट होगा। द हाई कोर्ट जो अपॉइंट कर सकती है, एडिशनल सेशन जज भी अपॉइंट करेगी, तो कौन कर सकता है? हाई कोर्ट कर सकता है। सेशन जज जो है एक वही है कि इसमें आगे कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है कि हाईकोर्ट चाहे तो ज्यादा भी कर सकता है, एडिशनल सेशन जज को भी अपॉइंट कर सकता है। उसके बाद इसके अंदर अगर इम्पोर्टेंट कुछ पॉइंट होता है तो फिफ्थ क्लोज देख लीजिए, वेयर द ऑफिस ऑफ द सेशन जज, जहां ऑफिस जो है वो वैकेट हो जाता है, तो हाईकोर्ट क्या करेगा? अरेंजमेंट करेगा फॉर द डिस्पोजल ऑफ अर्जेंट अप्लीकेशन। तो ये पावर भी किसके पास है? हाईकोर्ट के पास। अगर हम आगे बात करें, द कोर्ट ऑफ सेशन शैल ऑर्डिनरली होल्ड इट सिटिंग एट सच प्लेस, जहां पर हाई कोर्ट नोटिफिकेशन के बारे स्पेसिफाई करती है वहां पर वो है अपने सिटिंग पर रखेगी, सिटिंग को रखेगी, वहीं पर ये बैठेगी। और एक्सप्लेनेशन को अगर देखें, फॉर द पर्पज ऑफ दिस कोड अपॉइंटमेंट डज नॉट इंक्लूड द फर्स्ट अपॉइंटमेंट पोस्टिंग प्रमोशन ऑफ सर्विस और एनी पोस्ट कनेक्शन विद अफेयर्स ऑफ यूनियन और स्टेट वेयर अंडर एनी लॉ सच अपॉइंटमेंट पोस्टिंग प्रमोशन रिक्वायर्ड टू बी। जो कि अपॉइंटमेंट का मतलब ये नहीं कि सिर्फ फर्स्ट अपॉइंटमेंट या पोस्टिंग या प्रमोशन आ जाएगा या कोई भी ऐसी गवर्नमेंट सर्विस है, लेकिन अगर वो यूनियन और स्टेट के पर्पज से अगर किसी को अपॉइंटमेंट किया जाता है तो वो माना जाएगा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में आने के चांसेस कम रहते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट सेक्शन की, दैट इज रिलेटेड टू सबऑर्डिनेशन ऑफ असिस्टेंट सेशन जज। असिस्टेंट सेशन जज जो है वो सेशन जज से नीचे की पोस्ट होती है, तो ऑल असिस्टेंट जजेस शैल बी सबऑर्डिनेट टू द, ये सबऑर्डिनेट होंगे किसके? सेशन जज के। उसके बाद सेशन जज जो है टाइम जो टाइम रूल्स बना सकता है, तो पावर किसके पास आ जाएगी? सेशन जज के पास। तो सेशन जज में ऑल्सो में एक प्रोविजन, तो वो भी पावर जो भी है वो सेशन जज के पास जाएगी, किसी भी प्रकार से आप इसे गो थ्रू कर सकते हैं। अगर हम बात करें कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की, देखिए जब आप सबऑर्डिनेट ऑफ असिस्टेंट सेशन जज की बात करते हैं तो ये जो है सेशन से नीचे होता है, और कई जगह ये होता भी नहीं, कई किसी स्टेट में अगर मान लो हो सकता है वहां पर कुछ एस्टेब्लिशमेंट नहीं है तो वहां इसका यूज नहीं किया जाएगा। फिर अ कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट इन एवरी डिस्ट्रिक्ट नॉट बीइंग अ मेट्रोपॉलिटन एरिया, ना हो जहां पर, देयर शैल बी एस्टेब्लिश्ड एज मैनी कोर्ट्स ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स ऑफ फर्स्ट क्लास एंड सेकंड क्लास, जैसे कि सब डिविजन्स में होता है, एंड एट सच प्लेसेस स्टेट गवर्नमेंट फिर वही पावर जो दे दी है आफ्टर कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट। प्रोवाइजो कहता है कि द स्टेट गवर्नमेंट में आफ्टर कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट ये काफी जो भी चेंजेस है वो उसमें कर सकता है। The presiding officer और इसमें एक पॉइंट और है प्रोवाइजो में, ये देख लेते हैं, provided that the state government may after consultation with the High Court establish for any local area one or more special courts of judicial magistrate of first class or second class to try any case, किसी भी केस को, कोई पर्टिकुलर विशेष केस है, कोई स्पेसिफाई केस है, तो वहां पर जो है उनको अपॉइंट कर सकती है, और जहां पर कोई स्पेशल कोर्ट है जहां पर कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट वहां पर नहीं है तो उन केसेस में क्या कर सकती है, स्पेशल कोर्ट को भी वो अपॉइंट कर सकती है। प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है वो इन कोर्ट्स का, मजिस्ट्रेट्स की जो कोर्ट्स होता है हाई कोर्ट के द्वारा अपॉइंट होगा। हाई कोर्ट टाइम टू टाइम जो है अगर चाहे तो उसमें कुछ चेंजेस ला सकती है, पावर को फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट को दे सकती है, सेकेंड क्लास मजिस्ट्रेट को दे सकती है, जुडिशियल सर्विसेज ऑफ द स्टेट के हिसाब से सिविल कोर्ट में जो फंक्शन करता है। नेक्स्ट है हमारा चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट एंड एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट इन एवरी डिस्ट्रिक्ट द हाई कोर्ट शैल अपॉइंट जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास। हाई कोर्ट के पास पावर है कि वो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट को ही क्या करेगा, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट अपॉइंट करेगा। उसके बाद भी हाई कोर्ट में अपॉइंट एनी जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास टू बी एन एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट एंड सच मजिस्ट्रेट शैल हैव ऑल और एनी ऑफ द पावर्स ऑफ अ चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट अंडर दिस कोड और अंडर एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इनफोर्स एट द हाई कोर्ट में डायरेक्ट, कि हाँ ये भी क्या है, हाई कोर्ट अपॉइंट करेगा। द हाई कोर्ट में डेजिग्नेट एनी जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास इन सब डिवीजन सब डिविजनल कोर्ट्स में उनके रिस्पॉन्सिबिलिटी से उन्हें रिलीव भी कर सकता है, ये पावर भी किसके पास है, हाई कोर्ट। सब्जेक्ट टू द जनरल कंट्रोल ऑफ द चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट का कंट्रोल होने के साथ साथ एवरी सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट की बात, वही सारी नॉर्मल पावर्स की बात हो रहा है, इसमें ज्यादा कुछ डिस्कशन करने की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट सेक्शन है हमारा स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट, स्पेशल जो कोर्ट्स होती है वहां पर जो मजिस्ट्रेट अपॉइंट किया जाता है उनकी बात है।
ये भी हाई कोर्ट के पास पावर है कि इफ रिक्वेस्टेड बाय द सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट की अगर रिक्वेस्ट आती है तो क्या करता है कि किसी भी पावर जो है किसी भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट को दिया जा सकता है, उसे स्पेशल मजिस्ट्रेट अपॉइंट किया जा सकता है। सच फिर कह रहा है प्रोविजो कहता है कि नो सच पावर शैल बी कन्फर्ड ऑन ए पर्सन अनलेस ए पजेस सच क्वालिफिकेशन। लेकिन ऐसा नहीं कि किसी को भी वो अपॉइंट कर देगा, अगर उसके पास क्वालिफिकेशन है तभी अपॉइंट किया जा सकता है। और सेकंड क्लॉज में इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सच मजिस्ट्रेट शैल बी कॉल्ड स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट एंड शैल बी अपॉइंटेड फॉर सच टर्म नॉट एक्सीडिंग वन ईयर, एक साल से ज्यादा टाइम से तक उसे नहीं रख सकता। हाई कोर्ट जो स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट को जो है मेट्रोपॉलिटन एरिया में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की भी पावर दे सकता है। फिर है लोकल जुरिडिक्शन क्या है जुडिशियल मजिस्ट्रेट का, सब्जेक्ट टू द कंट्रोल ऑफ द हाई कोर्ट द चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट में टाइम टू टाइम, ये पावर किसके पास दे दी गई है, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट टाइम टू टाइम क्या करेगा, लोकल लिमिट्स को डिसाइड करेगा। इसमें ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। जब लोकल जुरिडिक्शन की बात आएगी तो एग्जाम में पूछा जाएगा, तो आपको सेक्शन 14 याद करना है, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो है हाई कोर्ट के साथ साथ उसके ऊपर पावर है। सबऑर्डिनेशन ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की अगर हम बात करते हैं सेक्शन 15 की, एवरी चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट शैल बी सबऑर्डिनेट, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो है वो सेशन का सबऑर्डिनेट है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो है उसके पास सेशन जज के अकॉर्डिंग उसे काम करना पड़ेगा। तो ये इंपॉर्टेंट है क्लोज, बाकी इतना ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट इसमें नहीं है। अगर आगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिजनेस की बात करें कि कौन आगे इनको काम बंटवारा करेगा, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट में टाइम टू टाइम, अब ये पावर किसके पास दे रखी है कि चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट सीजीएम जो होता है वो अमंग द जुडिशियल मजिस्ट्रेट सबऑर्डिनेट टू हिम, जो भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट उससे सबऑर्डिनेट होगा उसके अंदर बिजनेस का बंटवारा कर सकता है। अगली बात करते हैं कोर्ट ऑफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, वही चीज है मेट्रोपॉलिटन एरिया में वही स्टेट गवर्नमेंट जो है आफ्टर कंसल्टेशन विद हाई कोर्ट करेगी, और ये ऑफिसर जो है वो हाई कोर्ट द्वारा अपॉइंट होंगे, और जुरिडिक्शन जो है पावर है वो एक्सटेंड की जा सकती है मेट्रोपॉलिटन एरिया में। अब है सीएमएम और एडिशनल सीएमएम, हाई कोर्ट करेगी सीएमएम और एडिशनल सीएमएम की जो अपॉइंटमेंट की बात हो रही है, ये उनको कहां पर सेट करना है, हाई कोर्ट में अपॉइंट यानी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को, ये भी हाई कोर्ट के पास पावर है। स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट जो हमने स्पेशल मजिस्ट्रेट की का पढ़ा था, उसी तरीके से स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की बात है, ये भी हाई कोर्ट के पास पावर है। ज्यादा कुछ डिस्कस करने की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। एग्जाम में यही पूछा जाएगा कि स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कौन से सेक्शन में दिया है, सेक्शन 18 में दिया है। सेक्शन 19 की हम बात करें तो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट भी क्या होता है, शैल बी सबऑर्डिनेट टू द सेशन जज का सबऑर्डिनेट होता है। हाई कोर्ट जो है टाइम टू टाइम जो है इसके अंदर चेंजेस कर सकती है, चीफ जो है मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट जो है टाइम टू टाइम रूल्स भी बना सकता है। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जिसे एसडीएम बोलते हैं, तो ये जो सेक्शन 20 में दिया गया, हर एक डिस्ट्रिक्ट में हर एक मेट्रोपॉलिटन एरिया में एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट शैल बी अपॉइंटेड वन ऑफ देम, तो क्या है कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा अपॉइंट किया जा सकता है। हाँ, कोई कह रहा है कि हर एक एग्जीक्यूटिव में कोई भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट अगर सरकार चाहे तो उसको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी कि डीएम भी बना सकती है, एडिशनली स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी, क्योंकि ये कि स्टेट गवर्नमेंट के अंदर इनका वर्क होता है, जो एसडीएम वगैरह होते हैं एडीसी वगैरह होते हैं। जब किसी प्रकार का कोई ऑफिस का विवाद होता है और जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का, मान लो कोई डीसी है जो डीएम है किसी भी डिस्ट्रिक्ट का, अगर वो नहीं है वैकेंट है उसकी जगह खाली है, तो वो क्या कर सकता है, इसको पावर दे सकता है। स्टेट गवर्नमेंट जो है आगे इसके अंदर जो भी कुछ डिसीजन लेगी स्टेट गवर्नमेंट लेगी, इससे ज्यादा कुछ भी इम्पोर्टेंट इसमें नहीं है। अब हम बात करते हैं सेक्शन 21 की, स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट भी स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, ये भी क्या है वही एसडीएम वाली बात है, तो इसको भी स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है। लोकल ज्यूरिडिक्शन क्या होगा, सब्जेक्ट टू द कंट्रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट के साथ साथ डीएम जो है वो लोकल ज्यूरिडिक्शन होता है, जो डीसी होता है उसके पास पावर होता है, वो हेड होता है। अब अगला बात करें सबऑर्डिनेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का, सबऑर्डिनेट क्या होगा कि ये शैल बी सबऑर्डिनेट टू डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का सबऑर्डिनेट होगा। एंड एवरी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट अदर देन द सब डिविजनल मजिस्ट्रेट एक्सरसाइजिंग पावर जो है वो उसी के सब्जेक्ट से करेगा। अब हम बात करते हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर की, इसको थोड़ा समझने की जरूरत है क्योंकि सेक्शन 25 से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, सेक्शन 24 से पूछ लिए जाते हैं, 25 से पूछ लिए जाते हैं और 25A से भी थोड़ा सा डिस्कशन होता है, तो इसको हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा 10 मिनट एक्स्ट्रा लगा देंगे इसके ऊपर। देखिए पब्लिक प्रोसिक्यूटर कौन होता है, जो होता है पीपी जिसे शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, जिसे हम सरकारी वकील भी कहते हैं।
तो ये जो प्रोविजंस है पब्लिक प्रोसिक्यूटर का, ये सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ही अपॉइंट किया जाता है आफ्टर कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट की कंसल्टेशन के बाद, सेंट्रल लेवल पर भी और स्टेट लेवल पर भी एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर को अपॉइंट किया जाएगा। और मे ऑल्सो अपॉइंट वन और मोर एडिशनल, वो जो पावर है स्टेट गवर्नमेंट की और सेंट्रल गवर्नमेंट की, एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर को भी अपॉइंट करवा सकता है। सेकंड क्लोज कहता है कि द सेंट्रल गवर्नमेंट में अपॉइंट वन और मोर पब्लिक प्रोसिक्यूटर फॉर द पर्पज ऑफ कंडक्टिंग एनी केस। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, वही बात है कि सेंट्रल गवर्नमेंट अगर चाहे कि किसी भी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में या लोकल एरिया में उनके कोई केस को कंडक्ट करना है तो वो वन और मोर पब्लिक प्रोसिक्यूटर को उस पर्पज के लिए भी अपॉइंट करवा सकती है। हर एक डिस्ट्रिक्ट में स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर होता है कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर को अपॉइंट करे, और एडिशनल को भी कर सकती है। प्रोवाइजो ये कहता है कि द पब्लिक प्रोसिक्यूटर और एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंटेड फॉर वन डिस्ट्रिक्ट में बी अपॉइंटेड ऑल्सो टू बी, कोई भी पब्लिक प्रोसिक्यूटर मान लो एक डिस्ट्रिक्ट में अपॉइंट किया है तो अगर मान लो चाहे कि जरूरत पड़ जाती है तो उसको एडिशनल भी चार्ज दिया जा सकता है, ये बात कहता है प्रोवाइजो। फिर फोर्थ क्लोज कहता है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट फिर क्या करेगा, जो डीएम होता है, डीसी होता है, इन कंसल्टेशन विद द सेशन जज से कंसल्टेशन करेगा और एक पैनल तैयार करेगा, और उस पैनल में से ही पब्लिक प्रोसिक्यूटर को अपॉइंट किया जाता है और एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर को। नो पर्सन शैल बी अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट एज द पब्लिक प्रोसिक्यूटर और एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर डिस्ट्रिक्ट, जब तक कि उसका नेम जो है पैनल में ना हो उसको अपॉइंट नहीं किया जा सकता। ये इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर नेक्स्ट है नॉट विस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सब सेक्शन, किसी सब सेक्शन 5 में कुछ भी होते हुए जहां भी स्टेट को यह लगता है कि एक रेगुलर कैडर जो है प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर्स का होना चाहिए तो स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकता है, उन्हें अपॉइंट कर सकता है। उसके बाद प्रोवाइजो कहता है कि वेयर इन द ओपिनियन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, वही जो बात कर रहा है यहाँ पर पैनल की बात कर रहा है, तो पैनल के नाम से ही उनकी जो अपॉइंटमेंट होगी। अगर हम बात करें एक्सप्लेनेशन की तो रेगुलर कैडर ऑफ प्रोसिक्यूशन ऑफिसर का मतलब एक कैडर डिसाइड होता है प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर्स का, जिसके अंदर पब्लिक प्रोसिक्यूटर की पोस्ट का वर्णन होता है, चाहे उसको किसी भी नाम से बुलाया जाए तो उस कैडर के हिसाब से ही उसकी पोस्ट डिसाइड होती है। प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर्स का मतलब होता है कि एक ऐसा व्यक्ति चाहे किसी नाम से उसे बुलाएं जो पब्लिक जो परफॉर्म करेगा पब्लिक प्रोसिक्यूटर का फंक्शन, और या मान लो एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर का फंक्शन या असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर का फंक्शन भी अपॉइंट जो है परफॉर्म कर सकता है। कहने का मतलब है कि मान लीजिए गवर्नमेंट की तरफ से जब कोर्ट में अपने आप को रिप्रेजेंट करवाना है गवर्नमेंट ने, तो उसे पब्लिक प्रोसिक्यूटर की नीड ऑलवेज रहेगी। अब अगर हम बात करें सेक्शन 7 की, ए पर्सन शैल बी एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज ए पब्लिक प्रोसिक्यूटर और एन एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अंडर सब सेक्शन 1, 2, 3 जो भी अपॉइंट होता है उसकी कहता है कि प्रैक्टिस होनी चाहिए लेस देन 7 ईयर्स, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है, हर एक स्टेट का अलग अलग रूल हो सकता है। अगर हम बात करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट अगर स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर को अपॉइंट करती है, स्टेट गवर्नमेंट अगर स्पेशल प्रोसिक्यूशन स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर को अपॉइंट करती है तो उसकी जो प्रैक्टिस है वो कम से कम 10 ईयर्स की होनी चाहिए। तो प्रैक्टिस की जगह हम बात करें तो यहाँ पर है 7 ईयर्स और यहाँ पर है आपका 10 ईयर्स। नेक्स्ट इसका प्रोवाइजो कहता है कि अगर मान लो कोर्ट को लगता है कि वो जो विक्टिम है जिसका वो केस लड़ रहा है, मान लीजिए पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है सरकार की तरफ से लड़ता है और जब FIR दर्ज की जाती है तो स्टेट वर्सेस नेम होता है कुछ, तो स्टेट की तरफ से पब्लिक प्रोसिक्यूटर केस लड़ रहा होता है, लेकिन कई बार क्या होता है हमें सुनने में आया या देखने में आया कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है ढंग से अपनी प्रॉपर जो एक्शन उसने लेना चाहिए था कोर्ट में, जो विटनेसेस पेश करने चाहिए, जो प्रोसिक्यूशन करना चाहिए था, वो एक्चुअली नहीं करता, क्योंकि या तो रिश्वत की वजह से या किसी सिफारिश की वजह से या किसी डर की वजह से। तो उस टाइम में विक्टिम को भी एक राइट दे दिया कि वो भी जो है अपने हिसाब से किसी भी वकील को उसके साथ पब्लिक प्रोसिक्यूटर के साथ जो है ला सकती है, लेकिन वो सिर्फ क्या करेगा, असिस्ट करेगा। क्या करेगा, सिर्फ असिस्ट, वो अपने आप इंडिपेंडेंट डिसीजन नहीं ले सकता, उसे सिर्फ पब्लिक प्रोसिक्यूटर को असिस्ट करना है, उसको अलग अलग ओपिनियन वो दे सकता है। अगर पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है बायस होकर काम नहीं करता तो उस मामले में जो ये एडवोकेट जो हायर किया गया विक्टिम के द्वारा वो उस टाइम ऑब्जेक्शन कर सकता है। फॉर द पर्पज ऑफ दिस सबसेक्शन 7 पीरियड ड्यूरिंग विच ए पर्सन हैज बीन इन प्रैक्टिस ऑफ प्लीडर, तो कह रहा है कि अगर वो उसकी प्रैक्टिस का जो बात है, जो भी उसकी प्रैक्टिस की बात की गई थी, बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड जिसे अपॉइंट किया जाता है, चाहे पीपी हो, चाहे एपीपी हो, चाहे असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, शैल बी डीम्ड टू द पीरियड ड्यूरिंग विच सच पर्सन हैज बीन इन प्रैक्टिस इन एनवर, जब वो व्यक्ति प्रैक्टिस में होगा। ये तो था हमारा पब्लिक प्रोसिक्यूटर का मैटर, और इसके बाद हम आगे डिस्कस करते हैं असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर। पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है मोस्टली
हायर कोर्ट्स में होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में होते हैं, और जिसे आप कहते हैं ना डिस्ट्रिक्ट अटर्नी बोलते हैं, उसे पब्लिक प्रोसिक्यूटर बोला जाता है। और अब बात करते हैं असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर की। ये क्या होता है जो सब डिविजन्स में और ये जो लोअर लेवल पर ये अथॉरिटी होती है, स्टेट गवर्नमेंट इनको अपॉइंट करेगा। हर एक डिस्ट्रिक्ट में वन और मोर असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर को भी कर सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगा वन और मोर पब्लिक प्रोसिक्यूटर को, अगर उसको लगता है कि उसका केस उसने करवाना है, अपने केस को लड़वाना है, तो स्टेट और सेंटर दोनों कर सकते हैं। सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन सबसेक्शन 3 नो पुलिस ऑफिसर शैल बी एलिजिबल। किसी भी पुलिस ऑफिसर को आप जो है एलिजिबल नहीं मान सकते पब्लिक प्रोसिक्यूटर की जगह, लेकिन प्रोवाइजो दिया हुआ है सबसेक्शन 3 में, कुछ कंडीशंस दी हुई है, अगर वो कंडीशन फुलफिल होती है फिर आप जो है उसे पब्लिक ऑफिसर को भी पब्लिक असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर की जगह पेश कर सकते हो। वेयर नो असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, जब कोई भी एपीपी जो अवेलेबल नहीं होता है तो उस मैटर में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है, किसी दूसरे व्यक्ति को अपॉइंट कर सकता है। प्रोवाइजो कहता है कि फी हैज टेकन एनी पार्ट, अगर किसी पुलिस वाले ने कोई इन्वेस्टिगेशन किया है तो उसको अपॉइंट नहीं किया जाएगा। और सेकंड कहता है कि अगर वो इंस्पेक्टर के रैंक से नीचे है तो उसको अपॉइंट नहीं किया जाएगा। तो एग्जाम में इस पॉइंट में से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो ये आपको अच्छे से माइंड में सेट करना पड़ेगा कि इनका क्या मीनिंग है और किस तरीके से हम इनको लेकर चलेंगे। तो ये तो बात कर रहा था हमारा एपीपी की, और ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमें डिस्कस करना पड़ेगा। नेक्स्ट है डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन। डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन का मतलब होता है कि जो इनका हेड है एपीपी, पीपी का जो हेड है, जैसे हरियाणा में क्या है चंडीगढ़ में ये अथॉरिटी बैठती है, स्टेट गवर्नमेंट इसको एस्टेब्लिश करता है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगा, स्टेट गवर्नमेंट इसको एस्टेब्लिश करेगा। अ पर्सन शैल बी एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन और डिप्टी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन ओनली इफ ही हैज बीन इन प्रैक्टिस एन एडवोकेट। अगर वो प्रैक्टिस एन एडवोकेट है 10 ईयर्स का, तो उसे ही जो डायरेक्टोरेट जो है वो अपॉइंट किया जा सकता है। द हेड ऑफ द डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन शैल बी डायरेक्टेड, ऊपर वाला लाइन में एक पॉइंट और देख लेते, अपॉइंटेड शैल बी मेड विद कंकरेंस ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, के कंकरेंस से ही उसे अपॉइंट किया जाएगा। द हेड ऑफ द डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन शैल बी द डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन हु शैल फंक्शन अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द हेड ऑफ द होम डिपार्टमेंट इन द स्टेट, जो हेड होता है। एवरी डिप्टी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन शैल बी सबॉर्डिनेट, एवरी डिप्टी डायरेक्टर जो है उसका सबॉर्डिनेट हो जाएगा। और इससे ज्यादा इसमें कुछ मुझे इंपॉर्टेंट लगा नहीं है। चलो देख लेते हैं आगे कुछ पॉइंट्स, अगर लगे तो मैं आपको करवा देती हूँ साथ ही साथ। अब इसके अंदर आप आ जाइए 8th क्लोज पे आ जाइए। एक तो 5th क्लोज और एक 8th क्लोज। 5th क्लोज क्या कहता है, एवरी पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है कंडक्ट करने के लिए इनके हाईकोर्ट शैल बी सबॉर्डिनेट होगा। एवरी इसके बाद 8th पर आ जाइए, द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन शैल अप्लाई टू द एडवोकेट जनरल, जो एजी होता है जो सेंटर में हाईकोर्ट्स में जो सरकार की तरफ से अपने पेश करता है, वो भी जो है यही फंक्शन जो है परफॉर्म करेगा। तो आज हमारा चैप्टर 2nd जो हम कंप्लीट कर चुके हैं। आई होप आपको आज का ये चैप्टर जो है अच्छा लगा होगा। अगर आपको आज का लेक्चर जो है आपने एंजॉय किया तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हो। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू और फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हो, आई हम्बली रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड ऑल्सो शेयर टू योर फ्रेंड्स सो दैट दे कैन गेट बेनिफिट फ्रॉम सच टाइप ऑफ इम्पोर्टेंट वीडियोस। कोरोना के इस पीरियड में आप अपना, अपने फैमिली मेंबर्स का, अपने नेबरहुड का ध्यान रखिए। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।